जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल हर सांस का शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं पाठ यहीं पे करूंगी, गुरु जी विराजमान हैं, अभी सत्संग कराया था मैंने, तो आप भी आनंद लीजिए, दर्शन कीजिए और शिव पुराण की महिमा जानिए, दर्शन कीजिए शिव पुराण के, माथा टेकिए गुरु जी को। तो शुरू करते हैं हम आज का day 34 शिव पुराण का पाठ। संगत जी, गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया है तो अभी के अभी जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना जरूर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो शुरू करते हैं पाठ, शिव पुराण अध्याय है ये कोटि रुद्र संहिता का। शंकर जी की आराधना से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति तथा उसके द्वारा दैत्यों का संहार, day 34। संगत जी, आपके अगर डेज और पहले वाले छूट गए तो आप उनको भी जरूर सुनेगा, एक आवृत्ति जरूर कीजिएगा, और इससे सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है कि पूरा पाठ करना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं सुनना चाहिए, है ना। तो बोलो शिव शंकर भगवान की जय। गणेश जी आज्ञा दीजिए, निर्विघ्न संपन्न हो जाए ये पाठ हमारा। गणेश जी की जय, शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शंकर जी की आराधना से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति तथा उसके द्वारा दैत्यों का संहार। व्यास जी कहते हैं, सूत का यह वचन सुनकर उन मुनीश्वरों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके लोकहित की कामना से इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, सूत जी आप सब जानते हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं, प्रभु हरीश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। तात, हमने पहले से सुन रखा है कि भगवान विष्णु ने शिव की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, अतः उस कथा पर भी विशेष रूप से प्रकाश डालिए। संगत जी, सुदर्शन चक्र की प्राप्ति कैसे हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। विष्णु भगवान ने कैसे प्राप्त किया सुदर्शन चक्र। सूजी ने कहा, मुनिवरो हरीश्वर लिंग की शुभ कथा सुनो। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरीश्वर शिव से ही सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने और धर्म का लोप करने लगे। उन महाबली और पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित हो देवताओं ने देव रक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कहा। तब श्री हरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। वे हजार नामों से शिव की स्तुति करते तथा प्रत्येक नाम पर एक कमल चढ़ाते थे। तब भगवान शंकर ने विष्णु के भक्ति भाव की परीक्षा करने के लिए उनके लाए हुए 1000 कमलों में से एक को छिपा दिया। शिव की माया के कारण घटित हुई इस अद्भुत घटना का भगवान विष्णु को पता नहीं लगा। उन्होंने एक फूल कम जानकर उसकी खोज आरंभ की। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य से सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया, परंतु कहीं भी उन्हें वह फूल नहीं मिला। तब विषु चेता विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपने कमल सदृश एक नेत्र को ही निकाल कर चढ़ा दिया। यह देख सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और वहीं उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर वे श्री हरि से बोले, हरे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु दूंगा, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। विष्णु बोले, नाथ आपके सामने मुझे क्या कहना है, आप अंतर्यामी है अतः सब कुछ जानते हैं, तथापि आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूँ। दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है, सदाशिव हम लोगों को सुख नहीं मिलता। स्वामिन, मेरा अपना अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं देता, परमेश्वर इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। सूत जी कहते हैं, श्री विष्णु का यह वचन सुनकर देवाधिदेव महेश्वर ने तेजो राशि में अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। उसको पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों का उस चक्र के द्वारा बिना परिश्रम के संहार कर डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गया।
देवताओं को भी सुख मिला और अपने लिए उस आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न एवं परम सुखी हो गए। ऋषियों ने पूछा, शिव के ये सहस्रनाम कौन कौन है बताइए, जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्री हरि को चक्र प्रदान किया था, उन नामों के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। श्री विष्णु के ऊपर शंकर जी की जैसी कृपा हुई थी उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। शुद्ध अंतरकरण वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर सूत ने शिव के चरणारविंदों का चिंतन करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। अध्याय 34 संपूर्ण हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये नाम है भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम स्रोत्र। सूत जी बोले, मुनिवरो सुनो, जिससे महेश्वर संतुष्ट होते हैं वह शिव सहस्त्र नाम स्रोत्र आज तुम सबको सुना रहा हूं। भगवान विष्णु ने कहा, शिव कल्याण स्वरूप, नंबर एक शिव कल्याण स्वरूप, दो हर भक्तों के पाप ताप हरने वाले, तीन मृड सुखदाता रुद्र, चार नंबर पे रुद्र मतलब दुख दूर करने वाले, पांच पुष्कर आकाश रूप, छह पुष्पलोचन पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले, सात अभी अर्थिगम्य प्रार्थियों को प्राप्त होने वाले, आठ सदाचार शेष आचरण वाले सर्व संहारकारी, दस शंभु कल्याण निकेतन, ग्यारह महेश्वर महानीश्वर, बारह चंद्रापीड चंद्रमा को शिरोभूषण के रूप में धारण करने वाले, नंबर तेरह चंद्रमौली सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, विश्वम सर्वस्वरूप विश्वम्भरम विश्व का भरण पोषण करने वाले, श्री विष्णु के भी ईश्वर, नंबर सोलह वेदांत सार संधो वेदांत के सार तत्व सच्चिदानंदमय ब्रह्म की साकार मूर्ति, सत्रह कपाली हाथ में कपाल धारण करने वाले, नंबर अठारह नील लोहित गले में नील और शेष अंगों में लोहित वर्ण वाले, उन्नीस ध्यानाधार ध्यान के आधार, बीस अपरिच्छेद्य देश काल और वस्तु की सीमा से अविभाज्य, इक्कीस गौरी भर्ता गौरी अर्थात पार्वती के पार्वती जी के पति, बाईस गणेश्वर प्रथम प्रमथ गणों के स्वामी, नंबर तेईस अष्टमूर्ति जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और यजमान, इन आठ रूप वाले अष्टमूर्ति जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और यजमान, इन आठ रूपों वाले। चौबीस विश्वमूर्ति अखिल ब्रह्मांडमय विराट पुरुष, पच्चीस त्रिवर्ग स्वर्ग साधन धर्म अर्थ काम तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, नंबर छब्बीस ज्ञान गम्य ज्ञान से ही अनुभव में आने के योग्य, नंबर सत्ताईस दृढ़ प्रज्ञ सुस्थिर बुद्धि वाले, नंबर अट्ठाईस देव देव देवताओं के भी आराध्य, उनतीस त्रिलोचन सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप तीन नेत्रों वाले, नंबर तीस वामदेव लोक के विपरीत स्वभाव वाले देवता, इकतीस महादेव महान देवता भ्रमादिकों के भी पूजनीय, पटु सब कुछ करने में समर्थ एवं कुशल, परिव्रण स्वामी दृढ़, चौतीस नंबर दृढ़ कभी विचलित ना होने वाले, पैंतीस विश्व रूप जगत स्वरूप, नंबर छत्तीस विरूपाक्ष विकट नेत्र वाले, सैतीस वागीश वाणी के अधिपति, अड़तीस शुचि सप्तम पवित्र पुरुषों में भी सबसे श्रेष्ठ, उनतालीस सर्व प्रमाण संवादी संपूर्ण प्रमाणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले, नंबर चालीस वृषांग अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले, इकतालीस वृषवाहन वृषभ या धर्म को वाहन बनाने वाले, बयालीस ईश स्वामी या शासक, तिरालीस पिनाकी पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, नंबर चौवालीस खटवांगी खाट के पाए की आकृति का एक आयुध धारण करने वाले, पैंतालीस चित्रवेश विचित्र वेशधारी, छियालीस चिरंतन पुराण अनादि पुरुषोत्तम, सैतालीस तमोहर अज्ञानांधकार को दूर करने वाले, अड़तालीस महायोगी महान योग से संपन्न, उनचास गोप्ता रक्षक, पचास ब्रह्मा सृष्टिकर्ता
51 ध्रुजटी जटा के भार से युक्त, 52 काल 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 के भी काल, 53 कृतिवासा गजासुर के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, 54 सुभग सौभाग्यशाली, 55 प्रणवात्मक ओंकार स्वरूप अथवा प्रणव के वाच्यार्थ, 56 उनध्र बंधन रहित, 57 पुरुष अंतर्यामी आत्मा, 58 जुष्य सेवन करने योग्य, 59 दुर्वासा दुर्वासा नामक मुनि के रूप में अवतरण, 60 पुरुषासन 3 मायामय असुरपुरों का दमन करने वाले, 61 दिव्य युद्ध पाशुपत आदि दिव्य अस्त्र धारण करने वाले, 62 स्कंद गुरु कार्तिकेय जी के पिता, 63 परमेष्ठी अपनी प्रकष्ट महिमा में स्थित रहने वाले, 64 परात पर कारण के भी कारण, 65 अनाधिम ध्यान निधान अनादि मध्य निधन आदि मध्य और अंत से रहित, 66 गिरीश कैलाश के अधिपति, 67 गिरिजा धव पार्वती के पति, 68 कुबेर बंधु कुबेर को अपना बंधु मित्र मानने वाले, 69 श्री कंठ श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले, 70 लोक वर्णोत्तम समस्त लोकों और वर्णों से श्रेष्ठ, 71 मृदु कोमल स्वभाव वाले, 72 समाधि वैद्य समाधि अथवा चित्त वृत्तियों के निरोध से अनुभव में आने योग्य, कोदंडी धनुर्धन, 74 नीलकंठ कंठ में हलाहल विष का नील चिन्ह धारण करने वाले, 75 पर्शवती परशुधारी, 76 विशालाक्ष बड़े बड़े नेत्रों वाले, 77 मृग व्याध वन में व्याध या किरात के रूप में प्रकट हो शुकर के ऊपर वाण चलाने वाले, 78 सुरेश देवताओं के स्वामी सूर्य तापन सूर्य को भी दंड देने वाले, 80 धर्म धाम धर्म के आश्रय, 81 क्षमा क्षेत्रम क्षमा के उत्पत्ति स्थान, 82 भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान तथा वैराग्य के आश्रय, 83 भग नेत्र भीतर भग देवता के नेत्र का भेदन करने वाले, 84 उग्र संहार काल में भयंकर रूप धारण करने वाले, 85 पशुपति माया रूप में बंधे हुए पाशबद्ध पशुओं जीवों को तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्त करके यथार्थ रूप से उनका पालन करने वाले, 86 तारक्षय गरुण रूप, 87 प्रिय भक्त भक्तों से प्रेम करने वाले, 88 परंतप शत्रुता रखने वालों को संताप देने वाले, 90 दाता दानी, 90 दया कर दया निधान अथवा कृपा करने वाले, 91 दक्ष कुशल, 92 कपर्दी जटाजूट धारी, 93 काम शासन कामदेव का दमन करने वाले, 94 शमशान निलय शमशानवासी, 95 सूक्ष्म इंद्रियातीत एवं सर्वव्यापी, 96 शमशानस्थ शमशान भूमि में विश्राम करने वाले, 97 महेश्वर महान ईश्वर या परमेश्वर, 98 लोककर्ता जगत की सृष्टि करने वाले, 99 मृगपति मृग के पालक या पशुपति, 100 महाकर्ता विराट ब्रह्मांड की सृष्टि करने के समय महान कर्तव्य से संपन्न, 101 महाषधि भव रोग का निवारण करने के लिए महान औषधि रूप, 102 उत्तर संसार सागर से पार उतारने वाले, 103 गोपति स्वर्ग पृथ्वी पशु वाणी किरण इंद्रिय और जल के स्वामी, 104 गोप्ता रक्षक, 105 ज्ञान गम्य तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप से ही जानने योग्य, 106 पुरातन सबसे पुराने, 107 नीति न्याय स्वरूप, 108 सुनीति उत्तम नीति वाले, 109 शुद्धात्मा विशुद्धात्म स्वरूप, 110 सोम उमा सहित, 111 सोमरथ चंद्रमा पर प्रेम रखने वाले, 112 सुखी आत्मानंद से परिपूर्ण, 113 सोमप सोमपान करने वाले अथवा सोमनाथ रूप से चंद्रमा के पालक, 114 अमृत तप समाधि के द्वारा स्वरूप भूत अमृत का आस्वादन करने वाले, 115 सौम्य भक्तों के लिए सौम्य रूपधारी, 116 महातेजा महातेज से संपन्न महाज्योति परम कांतिमान,
118 तेजोमय प्रकाश रूप, 119 अमृतमय अमृत रूप, 120 अन्नमय अन्न रूप, 121 सुधापति अमृत के पालक, 122 अजात शत्रु जिनके मन में कभी किसी के प्रति शत्रुभाव नहीं पैदा हुआ ऐसे समदर्शी, 123 आलोक प्रकाश स्वरूप, 124 संभाव्य सम्माननीय, 125 हव्य वाहन अग्नि स्वरूप, 126 लोक कर जगत के श्रष्टा, 127 वेद कर वेदों के प्रकट करने वाले, 128 सूत्रकार ढक्कानाद के रूप में चतुर्दश महेश्वर सूत्रों के प्रणेता, 129 सनातन नित्य स्वरूप। एक सौ तीस महर्षि कपिलाचार्य सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिलाचार्य, 131 विश्व दीप्ति अपनी प्रभा से सबको प्रकाशित करने वाले, 132 त्रिलोचन तीनों लोगों के दृष्टा, 133 पिनाक पाणि हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, 134 भूदेव पृथ्वी के देवता ब्राह्मण अथवा पार्थिव लिंग रूप, 135 स्वस्ति कल्याणदाता, 136 स्वस्तिकृत कल्याणकारी, 137 सुधि विशुद्ध बुद्धि वाले, 138 ध्रात धामा विश्व का धारण पोषण करने में समर्थ तेज वाले, धामकर तेज की सृष्टि करने वाले, 140 सर्वज्ञ सर्वव्यापी, 141 सर्वगोचर सब में व्याप्त, 142 ब्रह्मसरक ब्रह्मा जी के उत्पादक, 143 विश्व सरक जगत के श्रष्टा, 144 सर्ग सृष्टि स्वरूप, 145 कर्णिकार प्रिय कनेर के फूल को पसंद करने वाले, 146 कवि त्रिकाल दर्शी, 147 शाक कार्तिकेय के छोटे भाई शाक स्वरूप, 148 विशाक स्कंद के छोटे भाई विशाक स्वरूप अथवा विशाक नामक ऋषि, 149 गो शाक वेदवाणी की शाखाओं का विस्तार करने वाले, 150 शिव मंगलमय, 151 भीष गणोत्तम भव रोग का निवारण करने वाले वैद्यों ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, 152 गंगाप्लो वोदक गंगा के प्रवाह रूप जल को सिर पर धारण करने वाले, 153 भव्य कल्याण स्वरूप, 154 पुष्कल पूर्णतम अथवा व्यापक, 155 स्थपति ब्रह्मांड रूपी भवन के निर्माता थवई, 156 स्थिर अचंचल अथवा स्थाणु रूप, 157 विजितात्मा मन को वश में रखने वाले विद्यात्मा शरीर मन और इंद्रियों से अपनी इच्छा के अनुसार काम लेने वाले, 159 भूत वाहन सारथी 5 भौतिक रथ शरीर का संचालन करने वाले बुद्धि रूप सारथी, 160 सगण प्रमद गणों के साथ रहने वाले गण काय गण स्वरूप सुकीर्ति उत्तम कीर्ति वाले छिन्न संशय संशय को काट देने वाले कामदेव, 164 कामदेव मनुष्यों का अभिलषित समस्त कामनाओं के अधिष्ठाता परमदेव, 165 काम काल सकाम भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, 166 भस्मोद धूली विग्रह अपने श्री अंगों में भस्म रमाने वाले, 167 भस्म प्रिय भस्म के प्रेमी, 168 भस्म शाही भस्म पर शयन करने वाले, 159 कामी अपने प्रिय भक्तों को चाहने वाले, 170 कांत परम कमनीय प्राण वल्लभ रूप, 171 कृतागम समस्त तंत्र शास्त्रों के रचियता, 172 समाव्रत संसार चक्र को भली भांति घुमाने वाले, 173 अनिवृत्तात्मा सर्वत्र विद्यमान होने के कारण जिनका आत्मा कहीं से भी हटा नहीं है ऐसे, 174 धर्मपुंज धर्म का पुण्य की राशि, 175 सदाशिव निरंतर कल्याणकारी, 176 अकलमश पाप रहित चतुर्भाव चार भुजाधारी दुरावासा जिन्हें योगी जन भी बड़ी कठिनाई से अपने हृदय मंदिर में बसा पाते हैं ऐसे, 179 दुरासाद परम दुर्जय, 180 दुर्लभ भक्तिहीन पुरुषों को कठिनता से प्राप्त होने वाले दुर्गम जिनके निकट पहुंचना किसी के लिए भी कठिन है ऐसे, 182 दुर्ग पाप ताप से रक्षा करने के लिए दुर्ग रूप अथवा
दुर्गे 183 सर्वायुद्ध विशारद संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग की कला में कुशल 184 अध्यात्म योग निलय अध्यात्म योग में स्थित 185 सुतंतु सुंदर विस्तृत जगत रूप तंतु वाले 186 तंतुवर्धन जगत रूप तंतु को बढ़ाने वाले 187 शुभांग सुंदर अंगों वाले 188 लोक सारंग लोक सारगामी 190 जगदीश जगत के स्वामी 190 जनार्दन भक्त जनों की याचना के आलंब 191 भस्म शुद्धि कर भस्म से शुद्धि का संपादन करने वाले 192 मेरु सुमेरु पर्वत के समान केंद्र रूप 193 ओजस्वी तेज और बल से संपन्न 194 शुद्ध विग्रह निर्मल शरीर वाला 195 असाध्य साधन भजन से दूर रहने वाले लोगों के लिए अलभ्य साधु 196 साधु साध्य साधन भजन परायण सत्पुरुषों के लिए सुलभ 197 भृत्य मरकट रूप धरक श्री राम के सेवक वानर हनुमान का रूप धारण करने वाले 198 हृदय रेता अग्नि स्वरूप अथवा स्वर्णमय वीरे वाले 199 पुराणों द्वारा प्रतिपादित 200 रिपूजी वहर शत्रुओं के प्राण हर लेने वाले 201 बली बलशाली 202 महाहत परमानंद के महान सरोवर 203 महागर्भ महान आकाश रूप 204 सिद्ध वृंदार वंदित सिद्धों और देवताओं द्वारा वंदित 205 व्याघ्र चरमांबर व्याघ्र चरम को वस्त्र के समान धारण करने वाले 206 व्याली सर्पों को आभूषण की भांति धारण करने वाले महाभूत त्रिकाल में भी कभी नष्ट ना होने वाले महाभूत स्वरूप 208 महानिधि सबके महान निवास स्थान 209 अमृताश जिनकी आशा कभी विफल ना हो ऐसे अमोघ संकल्प 210 अमृत बपू जिनका कलेवर कभी नष्ट ना हो ऐसे नित्य विग्रह 211 पांच जन्य नामक शंख स्वरूप 212 प्रभंजन वायु स्वरूप अथवा संहारकारी पंचविंशतित्वस्थ प्रकृति महतत्व बुद्धि अहंकार चक्षु श्रोत्र घ्राण रसना त्वक वाक वाणी पायु पाद उपस्थ मन शब्द स्पर्श रूप रस गंध पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन 24 जड़ तत्वों सहित 25वें चेतन तत्व पुरुष में व्याप्त 214 पारिजात याचकों की इच्छा पूर्ण करने में कल्प वृक्ष रूप 215 परावर कारण कार्य रूप 216 सुलभ नित्य निरंतर चिंतन करने वाले एक निश श्रद्धालु भक्त को सुगमता से प्राप्त होने वाले सुव्रत उत्तम व्रतधारी 218 शूर शौर्य संपन्न ब्रह्म वेद निधि ब्रह्मा और वेद के प्रादुर्भाव के स्थान 220 निधि जगत रूपी रत्न के उत्पत्ति स्थान वर्णाश्रम गुरु वर्णों और आश्रमों के गुरु उपदेष्टा वर्णी ब्रह्मचारी शत्रुजीत अंधकासुर आदि शत्रुओं को जीतने वाले शत्रुतापन शत्रुओं को संताप देने वाले आश्रम सबके विश्राम स्थान क्षपण जन्म मरण के कष्ट का मूलच्छेद करने वाले श्याम प्रलय काल में प्रजा को क्षीण करने वाले ज्ञानवान ज्ञानी 229 अचलेश्वर पर्वतों अथवा स्थावर पदार्थों के स्वामी प्रमाणभूत नित्य सिद्ध प्रमाण रूप दुर्गे कठिनता से जानने योग्य सुपर्ण वेदमय सुंदर पंख वाले गरुण रूप वायु वाहन अपने भय से वायु को प्रवाहित करने वाले धनुर्धर पिनाकधारी 235 धनुर्वेद के ज्ञाता 236 गुण राशि अनंत कल्याणमय गुणों की राशि 237 गुणाकर सद्गुणों की खानी 238 सत्य स्वरूप 239 सत्य पर सत्य परायण 240 अधीन दीनता से रहित उदार 241 धर्मांग धर्ममय विग्रह वाले 242 धर्म साधन धर्म का अनुष्ठान करने वाले 243 अनंत दृष्टि असीमित दृष्टि वाले 244 आनंद परमानंदमय 245 दंड दुष्टों को दंड देने वाले अथवा दंड स्वरूप 246 दयामय दमयिता दुर्दांत दानवों का दमन करने वाले 247 दमन स्वरूप 248 अभिवाद्य प्रमाण करने योग्य
249 महामाय मायावियों के को भी मोहने वाले महामायावी, 250 विश्व कर्म विशारद संसार की वृष्टि करने में कुशल, 251 वीतराग पूर्णतया विरक्त, 252 विनीत आत्मा मन से विनयशील अथवा मन को वश में रखने वाले, 253 तपस्वी तपस्या परायण, 254 भूत भावन संपूर्ण भूतों के उत्पादक एवं रक्षक, 255 उन्मत्त वेश पागलों के समान वेश धारण करने वाले, 256 प्रच्छन्न माया के पर्दे में छिपे हुए, 257 जीत काम काम विजयी अजित प्रिय भगवान विष्णु के प्रेमी, 259 कल्याण प्रकृति कल्याणकारी स्वभाव वाले, 260 कल्प समर्थ, 261 सर्वलोक प्रजापति संपूर्ण लोगों की प्रजा के पालक, 262 तरस्वी वेगशाली, 263 तारक उद्धारक, 264 श्रीमाधिमान विशुद्ध बुद्धि से युक्त, 265 प्रधान सबसे श्रेष्ठ, 266 प्रभु सर्व समर्थ, 267 अव्यय अविनाशी, 268 लोकपाल समस्त लोगों की रक्षा करने वाले, 269 अंतरहितात्मा अंतर्यामी आत्मा अथवा अदृश्य स्वरूप वाले, 270 कल्पादि कल्प के आधिकारण, 271 कमलेक्षण कमल के समान नेत्र वाले, 272 वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञ वेदों और शास्त्रों के अर्थ एवं तत्व को जानने वाले, 273 अनियम नियंत्रण रहित, 274 नियताश्रय सबके सुनिश्चित आश्रय स्थान, 275 चंद्र चंद्रमा रूप से आहतकारी, 276 सूर्य सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत सूर्य, 277 शनि शनिश्चर रूप, 278 केतु केतु नामक ग्रह स्वरूप, 269 वरांग सुंदर शरीर वाले, 280 विद्रुम छवि मूंगे की सी लाल कांति वाले, 281 भक्ति वश्य भक्ति के द्वारा भक्त के वश में होने वाले, 282 परब्रह्म परमात्मा, 283 मृग बाणार्पण मृग रूपधारी यज्ञ पर बाण चलाने वाले, 284 अनग पाप रहित, 285 अद्रि कैलाश आदि पर्वत स्वरूप, 286 अद्रालय कैलाश और मंदर आदि पर्वतों पर निवास करने वाले, 287 कांत सबके प्रियतम, 288 परमात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर, 290 जगत गुरु समस्त संसार के गुरु, 290 सर्व कर्मालय संपूर्ण कर्मों के आश्रय स्थान, 291 तुष्ट सदा प्रसन्न, 292 मंगलमय 292 मंगलय मंगलकारी, 293 मंगलाव्रत मंगलकारी शक्ति से संयुक्त, 294 महातपा महान तपस्वी, 295 दीर्घ तपा दीर्घ काल तक तप करने वाले, 296 स्थविष्ट अत्यंत स्थूल, 297 स्थवरो ध्रुव अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर, 298 अहं संवत्सर दिन एवं संवत्सर आदि काल रूप में काल रूप से स्थित अंश काल स्वरूप, 299 व्याप्ति व्यापकता स्वरूप, 300 प्रमाणम प्रत्यक्षादि प्रमाण स्वरूप, 301 परम तप उत्कृष्ट तपस्या स्वरूप, 302 समत्सर कर समत्सर आदि काल विभाग के उत्पादक, 303 मंत्र प्रत्यय वेद आदि मंत्रों से प्रतीत प्रत्यक्ष होने योग्य, 304 सर्वदर्शन सबके साक्षी, 305 अज अजन्मा, 306 सर्वेश्वर सबके शासक, 307 सिद्ध सिद्धियों के आश्रय, 308 महारेता श्रेष्ठ वीर वाले, 309 महाबल प्रमथ गणों की महती सेना से संपन्न, 310 योगी योग्य सुयोग्य योगी, 311 महातेजा महातेज से संपन्न, 312 सिद्धि समस्त साधनों के फल, 313 सर्वाधि सब भूतों के आधिकारण, 314 अग्रह इंद्रियों की ग्रहण शक्ति के अविष्य, 315 वसु सब भूतों के वास स्थान, 316 वसु मना उदार मन वाले, 317 सत्य सत्य स्वरूप, 318 सर्व पाप हरो हर समस्त पापों का अपहरण करने के कारण हर नाम से प्रसिद्ध, 317
318 सर पाप हरो हर समस्त पापों का अपहरण करने कारण हर नाम से प्रसिद्ध 319 सुकीर्ति शोभक उत्तम कीर्ति से सुशोभित होने वाले 320 श्रीमान विभूति स्वरूप उमा से संपन्न वेद 321 वेदांग वेद रूप अंगों वाले 322 वेद मुनि वेदों का विचार करने वाले मननशील मुनि 323 भ्राजिष्णु एक रस प्रकाश रूप 324 भोजनम ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य अमृत रूप 325 भोक्ता पुरुष रूप से उपभोग करने वाले 326 लोकनाथ भगवान विश्वनाथ 327 धुराधर अजितेंद्रिय पुरुषों द्वारा जिनकी आराधना अत्यंत कठिन है ऐसे 328 अमृत शाश्वत सनातन अमृत स्वरूप 329 शांत शांतिमय 330 बाण हस्त प्रतापवान हाथ में बाण धारण करने वाले प्रतापी वीर 331 कमंडलू धारण करने वाले धनवी पिनाकधारी 333 अवांग मन गोचर मन और वाणी के अविषय 334 अतिंद्रियो महामय इंद्रियातीत एवं महामायावी 335 सर्वावास सबके वास स्थान 336 चतुष्पथ चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के एकमात्र मार्ग 337 काल योगी प्रलय के समान सबको काल से संयुक्त करने वाले महानाद गंभीर शब्द करने वाले अथवा अनाहत नाद रूप 339 महोत्साहो महाबल महानुत्साह और बल से संपन्न 340 महाबुद्धि शेष बुद्धि वाले 341 महावीर्य अनंत पराक्रमी 342 भूतचारी भूतगणों के साथ विचरने वाले 343 पुरंदर त्रिपुर संहारक 344 निशाचर रात्रि में विचरण करने वाले 345 प्रेतचारी प्रेतों के साथ भ्रमण करने वाले 346 महाशक्ति महाधुति अनंत शक्ति एवं श्रेष्ठ कांति से संपन्न 347 अनिर्देश्य वकु अनिवर्चनीय स्वरूप वाले 348 श्रीमान ऐश्वर्यमान 349 सर्वाचार्य मनोगति सबके लिए अभिचार्य मनोगति वाले 350 बहुश्रुत बहुयज्ञ अथवा सर्वज्ञ 351 अमहामाय बड़ी से बड़ी माया भी जिन पर प्रभाव नहीं डाल सकती ऐसे 352 नेतात्मा मन को वश में रखने वाले 353 ध्रुव 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 नित्य कारण और अध्रुव अनित्य कार्य रूप 354 ओजस्ते ज्योतिधर ओज प्राण और बल तेज शौर्य आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले 355 जनक सबके उत्पादक 356 सर्वशासन सबके शासक 357 नित्य प्रिय नृत्य के प्रेमी 358 नित्य नृत्य प्रतिदिन तांडव नृत्य करने वाले 359 प्रकाशात्मा प्रकाश रूप 360 प्रकाशक सूर्य आदि को भी प्रकाश देने वाले 361 स्पष्टाक्षर ओंकार रूप स्पष्ट अक्षर वाले 362 बुद्ध ज्ञानवान 363 मंत्र ऋक साम और यजुर्वेद के मंत्र स्वरूप 364 समान सबके प्रति समान समान भाव रखने वाले 365 सार संपल्लव संसार सागर से पार होने के लिए नौका रूप 366 युगादि कृद्धगावर्त युगादि का आरंभ करने वाले तथा चारों युगों को चक्र की तरह घुमाने वाले 367 गंभीर गंभीर से युक्त 368 वृष वाहन नंदी नामक वृष पर सवार होने वाले 359 इष्ट परमानंद स्वरूप होने से सर्वप्रिय 370 अविशिष्ट संपूर्ण विशेषणों से रहित 371 शिष्टेष्ट शिष्ट पुरुषों के इष्ट देव 372 सुलभ अनन्य चित्त से निरंतर स्मरण करने वाले भक्तों के लिए सुगमता से प्राप्त होने योग्य 373 सार शोधन सार तत्व की खोज करने वाले 374 तीर्थ रूप तीर्थ स्वरूप 375 तीर्थ नामाधारी अथवा जिनका नाम भव सागर से पार लगाने वाला है ऐसे 376 तीर्थ दर्शय तीर्थ सेवन से अपने स्वरूप का दर्शन कराने वाले अथवा गुरु कृपा से प्रत्यक्ष होने वाले 377 तीर्थ चरणोदक स्वरूप तीर्थ को देने वाले 378 अपान निधि जल के निधान समुद्र रूप
379 अधिष्ठानम उपादान कारण रूप से सब भूतों के आश्रय अथवा जगत रूप प्रपंच के अधिष्ठान, 380 दुर्जय जिनको जीतना कठिन है ऐसे, 381 जय कालावित विजय के अवसर को समझने वाले, 382 प्रतिष्ठित अपनी महिमा में स्थित, 383 प्रमाणज्ञ प्रमाणों के ज्ञाता, 384 हृदय कवच स्वर्णमय कवच धारण करने वाले, 385 हरि श्री हरि स्वरूप, 386 विमोचन संसार बंधन से सदा के लिए छुड़ा देने वाले, 387 सुरगुण देव समुदाय रूप विद्येश संपूर्ण विद्याओं के स्वामी, 390 बिंदु संश्रय बिंदु रूप प्रणव के आश्रय, 390 बाल रूप बालक का रूप धारण करने वाले, 391 अम्लोन्मत बल से उन्मत न होने वाले, 392 अभिकृता विकार रहित, 393 गहन दुर्बोध स्वरूप या अगम्य, 394 गुह माया से अपने यथार्थ स्वरूप को छिपाए रखने वाले, 395 करणम संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन, 396 कारणम जगत के उपादान और निमित्त कारण, 397 कर्ता सबके रचेता, 398 सर्व बंध विमोचन संपूर्ण बंधनों से छुड़ाने वाले, 399 व्यवसाय निश्चयात्मक ज्ञान स्वरूप, 400 व्यवस्थान संपूर्ण जगत की व्यवस्था करने वाले, 401 स्थानद ध्रुव आदि भक्तों को अविचल स्थिति प्रदान कर देने वाले, 402 जगदाधीज हृदय गर्भ रूप से जगत के आदि में प्रकट होने वाले, 403 गुरुद श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करने वाले अथवा जिज्ञासुओं को गुरु की प्राप्ति कराने वाले, 404 ललित सुंदर स्वरूप वाले, 405 अभेद भेद रहित, 406 भावात्मनि संस्थित सत्य स्वरूप आत्मा में प्रतिष्ठित, 407 वीरेश्वर वीर शिरोमणि, 408 वीरभद्र वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष, 409 विरासन विधि विरासन से बैठने वाले, 410 विराट अखिल ब्रह्मांड स्वरूप, 411 वीर चूड़ामणि वीरों में श्रेष्ठ, 412 वेत्ता विद्वान, 413 चिदानंद विज्ञानानंद स्वरूप, 414 नदीधर मस्तक पर गंगा जी को धारण करने वाले, 415 आज्ञाधार आज्ञा का पालन करने वाले, 416 त्रिशूली त्रिशूलधारी, 417 शिपिविष्ट तेजोमयी किरणों से व्याप्त, 418 शिवालय भगवती शिवा के आश्रय, 411 वालखिले ऋषि रूप, 420 महाचाप महान धनुर्धर, 421 तिगमांशु सूर्य रूप, 422 बधिर लौकिक विषयों की चर्चा ना सुनने वाले, 423 खग आकाशचारी, 424 अभिराम परम सुंदर, 425 सुशरण सबके लिए सुंदर आश्रय रूप, 426 सुब्रह्मण्यम ब्राह्मणों के परम हितैषी, 427 सुधापति अमृत कलश के रक्षक, 428 मध्यवान कौशिक कुशिक वंशीय इंद्र स्वरूप, 429 गोमान प्रकाश किरणों से युक्त, 430 विराम समस्त प्राणियों के लय के स्थान, 431 सर्व साधन समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले, 432 ललाटाक्ष ललाट में तीसरा नेत्र धारण करने वाले, 433 विश्वदेह जगत स्वरूप, 434 सार तत्व रूप, 435 संसार चक्र भ्रत संसार चक्र को धारण करने वाले, 436 अमोघ दंड जिनका दंड कभी व्यर्थ नहीं जाता ऐसे, 437 मध्यस्थ उदासीन, 438 हिरण्य स्वर्ण अथवा तेज स्वरूप, 439 ब्रह्म वर्चसी ब्रह्म तेज से संपन्न, 440 परमार्थ मोक्ष रूप उत्कृष्ट अर्थ की प्राप्ति कराने वाले, 400 परमार्थ मोक्ष रूप उत्कृष्ट अर्थ की प्राप्ति कराने वाले, 441 परोमाई महा मायावी, 442 शंभर कल्याण प्रद, 443 व्याघ्र लोचन व्याघ्र के समान भयानक नेत्रों वाले, 444 रुचि दीप्ति रूप, 445 विरंची ब्रह्म स्वरूप, 446 सर्व बंधु सर्वलोक में बंधु के समान सुखद, 447 वाचस्पति वाणी के अधिपति, 448 अहंपति दिन के स्वामी सूर्य रूप, 449 रवि समस्त रसों का शोषण करने वाले, 450 विरोचन विविध प्रकार से प्रकाश फैलाने वाले, 451 स्कंद स्वामी कार्तिकेय रूप,
452 शास्ता व्यवस्वतो यम, सब पर शासन करने वाले सूर्य कुमार यम। 443 युक्ति रुन्नत कीर्ति, अष्टांग योग स्वरूप तथा ऊर्ध्व लोक में फैली हुई कीर्ति से युक्त। 454 सानुराग, भक्तजनों पर प्रेम रखने वाले। 455 परंजय, दूसरों पर विजय पाने वाले। 456 कैलाशाधिपति, कैलाश के स्वामी। 457 कांत, कमनीय अथवा कांतिमान। 458 सविता, समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले। 459 रवि लोचन, सूर्य रूप नेत्र वाले। 460 विद्वान, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ परम विद्वान। 461 वीत भय, सब प्रकार के भय से रहित। 462 विश्व भर्ता, जगत का भरण पोषण करने वाले। 463 अनिवारित, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता ऐसे। 464 नित्य सत्य स्वरूप। 465 नित्य कल्याण, सुनिश्चित रूप से कल्याणकारी। 466 पुण्य श्रवण कीर्तन, जिनके नाम गुण महिमा और स्वरूप के श्रवण तथा कीर्तन परम पावन है ऐसे। 467 दूर श्रवा, सर्वव्यापी होने के कारण दूर की बात भी सुन लेने वाले। 468 विश्व सह भक्तजनों के सब अपराधों को कृपा पूर्वक सह लेने वाले। 469 ध्येय, ध्यान करने योग्य। 470 द्वस्वप्न नाशन, चिंतन करने मात्र से बुरे सपनों का नाश करने वाले। 471 उत्तराण, संसार सागर से पार उतारने वाले। 472 दुष्कृत्या, पापों का नाश करने वाले। 473 विज्ञे, जानने के योग्य। 474 दुस्सह, जिनके वेग को सहन करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है ऐसे। 475 अभाव, संसार बंधन से रहित अथवा अजन्मा। 476 अनादि, जिनका कोई आदि नहीं है ऐसे, सबके कारण स्वरूप। 477 भूर्भो लक्ष्मी, भूलोक और भूलोक की शोभा। 478 किरीटी, मुकुटधारी। 479 त्रिदशा दीप, देवताओं के स्वामी। 480 विश्व गुप्ता, जगत के रक्षक। 481 विश्वकर्ता, संसार की वृष्टि करने वाले। 482 सुवीर, श्रेष्ठ वीर। 483 रुचिरांग, सुंदर बाजूबंद धारण करने वाले। 484 जनन, प्राणी मात्र को जन्म देने वाले। 485 जन्मादि, जन्म लेने वालों के जन्म के मूल कारण। प्रतिमान, 486 प्रतिमान प्रसन्न। 487 नीतिमान, सदा नीति परायण। 488 धव, सबके स्वामी। 489 वशिष्ठ, मन और इंद्रियों को अत्यंत वश में रखने वाले अथवा वशिष्ठ ऋषि रूप। 490 कश्यप दृष्टा अथवा कश्यप मुनि रूप। 491 भानु प्रकाश अथवा सूर्य रूप। 492 भीम दुष्टों को भय देने वाले। 493 भीम पराक्रम, अतिशय भयदायक पराक्रम से युक्त। 494 प्रणव, ओंकार स्वरूप। 495 सत्य पथाचार, सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाले। 496 महाकोश, अन्नमयादि पांचों कोशों को अपने भीतर धारण करने के कारण महाकोश स्वरूप। 497 महाधन, अपरिमित ऐश्वर्य वाले अथवा कुबेर को भी धन देने के कारण महाधनवान। 498 जन्माधिप, जन्म उत्पादन रूपी कार्य के अध्यक्ष ब्रह्मा। 499 महादेव, सर्वोत्कृष्ट देवता। 500 सकलांगम पारग, समस्त शास्त्रों के पारंगत विद्वान। 501 तत्वम, यथार्थ तत्व रूप। 502 तत्वित, यथार्थ तत्व को पूर्णतया जानने वाले। 503 एकात्मा, अद्वितीय आत्मरूप। 504 विभू, सर्वत्र व्यापक। 505 विश्व भूषण, संपूर्ण जगत को उत्तम गुण से विभूषित करने वाले। 506 ऋषि, मंत्र दृष्टा। 507 ब्राह्मण, ब्रह्मवेत्ता। 508 ऐश्वर्य, जन्म मृत्यु जरातीत, ऐश्वर्य जन्म मृत्यु और जरा से अतीत। 509 पंच यज्ञ समुत्पत्ति, पंच महायज्ञों की उत्पत्ति के हेतु। 510 विश्वेश, विश्वनाथ, विमलोय, निर्मल, अभ्युदय की प्राप्ति कराने वाले धर्मरूप। 510 आत्मयोनि स्वयंभू। 513 अनाध्य आदि अंत से रहित। 514 वत्सल, भक्तों के प्रति वात्सल्य स्नेह से युक्त।
भक्त लोक धृग भक्तों भक्तजनों के आश्रय, गायत्री वल्लभ गायत्री मंत्र के प्रेमी, प्रांशु ऊंचे शरीर वाले, 518 विश्वावास संपूर्ण जगत के आवास स्थान, 519 प्रभाकर सूर्य रूप, 520 शिशु बालक रूप, 521 गिरिरथ कैलाश पर्वत पर रमण करने वाले, 522 सम्राट देवेश्वरों के भी ईश्वर, 522 सुषेण सूर शत्रुहा प्रमथ गणों की सुंदर सेना से युक्त अथवा देव शत्रुओं का संहार करने वाले, 524 अमोघो दृष्टि नेमी अमोघ संकल्प वाले महर्षि कश्यप रूप, 525 कुमुद भूतल को आहत प्रदान करने वाले चंद्रमा रूप, 526 विगत जजर चिंता रहित, 526 विगत ज्वर चिंता रहित, 527 स्वयं ज्योति तनु ज्योति अपने प्रकाश से प्रकाशित होने वाले सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, 528 आत्म ज्योति अपने स्वरूप भूत ज्ञान की प्रभा से प्रकाशित, अचंचल चंचलता से रहित। पिंगल वर्ण वाले, 531 कपिल वर्ण की दाढ़ी मूछ रखने वाले दुर्वासा मुनि के रूप में अवतरण, 532 भाल नेत्र ललाट में नेत्र धारण करने वाले, 533 त्रितनु तीनों लोकों या तीनों वेद जिनके स्वरूप हैं ऐसे, 534 ज्ञान स्कंदो महानीति ज्ञान प्रद और शेष नीति वाले, 535 विश्वोत्पत्ति जगत के उत्पादक, 536 उपल्लव संहारकारी, 537 भगो विवस्वानादित्य अदिति नंदन भग एवं विवस्वान, 538 योग पार योग विद्या में पारंगत, 539 दिवस्मति स्वर्गलोक के स्वामी, 540 कल्याण गुण नामा कल्याणकारी गुण और नाम वाले, 541 पापहा पापनाशक, 542 पुण्य दर्शन पुण्य जनक दर्शन वाले अथवा पुण्य से ही जिनका दर्शन होता है ऐसे, 543 उदार कीर्ति उत्तम कीर्ति वाले, 544 उद्योगी उद्योगशील, 545 उद्योगी श्रेष्ठ योगी, 546 सद सन्मय सद स्वरूप, 547 नक्षत्र माली नक्षत्रों की माला से अलंकृत आकाश रूप, 548 नाकेश स्वर्ग के स्वामी, 549 स्वाधिष्ठान पदाश्रय स्वाधिष्ठान चक्र के आश्रय, 550 पवित्र पापहारी नित्य शुद्ध एवं पापनाशक, 551 मणिपुर नामक चक्र स्वरूप, 552 नभोगति आकाशचारी, 553 हृदय पुंडरी कमासीन हृदय कमल में स्थिर, 554 शक्र इंद्र रूप, 555 शांत स्वरूप, 556 वृषाकपि हरिहर, 557 उष्ण हालाहल विष की गर्मी से उष्णता युक्त, 558 ग्रहपति समस्त ब्रह्मांड रूपी ग्रह के स्वामी कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप, 560 समर्थ सामर्थ्यशाली, 561 अनर्थ नाशन अनर्थ का नाश करने वाले, 562 अधर्म शत्रु अधर्म नाशक, 563 अज्ञेय बुद्धि की पहुंच से परे अथवा जानने में ना आने वाले, अज्ञेय बुद्धि की पहुंच से परे अथवा जानने में ना आने वाले, 566 पुरहूत पुरुश्रुत बहुत से नामों द्वारा पुकारे और सुने जाने वाले, 565 ब्रह्म गर्भ ब्रह्म जिनके गर्भ शिशु के समान है ऐसे, 566 भृत गर्भ विश्व ब्रह्मांड प्रलय काल में जिनके गर्भ में रहता है ऐसे, 567 धर्म धेनु धर्म रूपी वृषभ को उत्पन्न करने के लिए धेनु स्वरूप, 568 धनागम धन की प्राप्ति कराने वाले, 569 जगद्वेषी समस्त संसार का हित चाहने वाले, 570 सुगत उत्तम ज्ञान से संपन्न अथवा बुद्ध स्वरूप, 571 कुमार कार्तिकेय रूप, 572 कुशलागम कल्याणदाता, 573 हिरण्य वर्णो ज्योतिष्मान स्वर्ण के समान गौर वर्ण वाले तथा तेजस्वी, 574 नाना भूतरत नाना प्रकार के भूतों के साथ क्रीड़ा करने वाले, 575 ध्वनि नाद स्वरूप, 576 अराग
आसक्ति शून्य 577 नयन अध्यक्ष नेत्रों में दृष्टा रूप से विद्यमान 578 विश्वामित्र संपूर्ण जगत के प्रति मैत्री भावना रखने वाले मुनि स्वरूप 579 घनेश्वर धनेश्वर धन के स्वामी कुबेर 580 ब्रह्म ज्योति ज्योति स्वरूप ब्रह्मा 551 वसुधामा स्वर्ण 581 वसुधामा स्वर्ण और रत्नों के तेज से प्रकाशित अथवा वसुधा स्वरूप 582 महाज्योतिर्नुतम सूर्य और ज्योतियों के प्रकाश प्रकाशक सर्वोत्तम महाज्योति स्वरूप 583 माता महा मातृकाओं के जन्मदाता होने के कारण माता महा 584 मात ऋषवा नभस्वान आकाश में विचरने वाले वायु देव 585 नाग हारध्रक सर्पमय हार धारण करने वाले 586 पुलत से नामक मुनि 587 पुला नामक ऋषि 588 अगस्त से कुंभ जन्मा अगस्त से ऋषि 590 जातु करने इसी नाम से प्रसिद्ध मुनि 590 पराशर शक्ति के पुत्र तथा व्यास जी के पिता मुनीश्वर पराशर 591 निरावरण निर्वात आवरण शून्य अथवा अवरोध रहित 592 वैरज्य ब्रह्मा जी के पुत्र नील लोहित रुद्र 593 विष्णु शर्वा विस्तृत यश वाले विष्णु स्वरूप 594 आत्मभू स्वयंभू ब्रह्मा 595 अनिरुद्ध अकुंठित गति वाले 596 अत्रि नामक ऋषि अथवा त्रिगुणातीत 597 ज्ञान मूर्ति ज्ञान स्वरूप 598 महायशा महायशस्वी 599 लोक वीरांगणी विश्वविख्यात वीरों में अग्रणय 600 वीर शूरवीर 601 चंड प्रलय के समान अत्यंत क्रोध करने वाले 602 सत्य पराक्रम सच्चे पराक्रमी 603 व्यालाकल्प सर्पों के आभूषणों से श्रृंगार करने वाले 604 महाकल्प संज्ञक काल स्वरूप वाले 605 कल्प वृक्ष शरणागतों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान उदार 606 कलाधर चंद्र कलाधारी 607 अलंकृष्णु अलंकार धारण करने या कराने वाले 608 अचल विचलित ना होने वाले 609 रोचिष्णु प्रकाशमान 610 विक्र मोन्नत पराक्रम में बढ़े चढ़े 611 आयु शब्दपति आयु तथा वाणी के स्वामी 612 वेगी पलवन वेगशाली अथवा कूदने या तैरने वाले 613 शिखी सारथी अग्नि रूप सहायक वाले 614 असंसृष्ट निर्लेप 615 अतिथि प्रेमी भक्तों के घर पर अतिथि की भांति उपस्थित हो उनका सत्कार ग्रहण करने वाले शक्र 616 शक्र प्रमाथी इंद्र का मान मर्दन करने वाले 617 पाद पासन वृक्षों पर या वृक्षों के नीचे आसन लगाने वाले 618 वसुश्रवा यश रूपी धन से संपन्न 619 हव्यवाहा अग्नि स्वरूपा 620 प्रतत सूर्य रूप से प्रचंड ताप देने वाले 621 विश्व भोजन प्रलय काल में विश्व ब्रह्मांड को अपना ग्रास बना लेने वाले 622 जप्य जपने योग्य नाम वाले 623 जराधीश मन बुढ़ापा आदि दोषों का निवारण करने वाले 624 लोहित आत्मा तनून पात लोहित वर्ण वाले अग्नि रूप 625 वृहद अश्व विशाल अश्व वाले 626 नभो योनि आकाश की उत्पत्ति के स्थान 627 सुप्रतीक सुंदर शरीर वाले 628 तमृत सहा अज्ञानंधकार नाशक 629 निघा निदागपन तपने वाले ग्रीष्म रूप 630 मेघ बादलों से उपलक्षित वर्षा रूप 631 स्वच्छ सुंदर नेत्रों वाले 632 पर पुंजय त्रिपुर रूप शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले 633 सुखानिल सुखदायक वायु को प्रकट करने वाले शरत काल रूप 634 सुनिष्पन जिसमें अन्न का सुंदर रूप से परिपाक होता है वे हेमंत काल रूप 635 सुरभि शिशिरात्मक सुगंधित मलयानिल से युक्त शिशर ऋतु रूप 636 वसंतो माधव चैत्र विशाख इन दो मासों से युक्त वसंत रूप 637 ग्रीष्म ऋतु रूप 638 नभस्य भाद्र पद मास रूप 639 बीज वाहन धान आदि के बीजों की प्राप्ति कराने वाला शरत काल
640 अंगिरा गुरु अंगिरा नामक ऋषि तथा उनके पुत्र देव गुरु बृहस्पति आत्रेय अत्रि कुमार दुर्वासा निर्विमल विमल विमल निर्मल 637 विश्वाहन संपूर्ण जगत का निर्वाह कराने वाले 644 पावन पवित्र वाले पवित्र करने वाले 647 सुमति वृद्धान उत्तम बुद्धि वाले विद्वान 646 त्रैविध तीनों वेदों के विद्वान अथवा तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादित 647 वर वाहन वृषभ रूप श्रेष्ठ वाहन वाले 648 मनोबुद्धि अहंकार मन बुद्धि और अहंकार स्वरूप 649 क्षेत्रज्ञ आत्मा 651 650 क्षेत्रपालक शरीर रूपी क्षेत्र का पालन करने वाले परमात्मा 651 जमदाग्नि नामक ऋषि रूप 652 बल निधि अनंत बल के सागर 653 विगाल अपनी चटा से गंगा जी के जल को टपकाने वाले 654 विश्व गालव विश्व विख्यात गालव मुनि अथवा प्रलय काल में कालाग्नि स्वरूप से जगत को निकल जाने वाले 655 अघोर सौम्य रूप वाले 656 अनुत्तर सर्वश्रेष्ठ 657 यज्ञ श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ रूप 658 निश्रेष्ठ प्रद कल्याण दाता 659 शैल शिलामय लिंग रूप 660 गगन कुंधाभ आकाश कुंद चंद्रमा के समान गौर कांति वाले 661 दानवारी दानवशत्रु 662 अरिंदम शत्रुओं का दमन करने वाले। तो यहां हम लेते हैं गुरु जी से आज्ञा, बाकी नेक्स्ट में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।